Welcome everyone to SST College of Arts and Commerce. Welcome to SST media a place where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. So, from today office, we will be starting with 12th Science Paper 1, that is chapter number 2 matrices, as well as this same chapter is in your 12th Commerce Paper 1, the number is same, that is chapter number 2. Basically, in Commerce, the chapter is लिटिल बिट मो बिकॉज इन साइंस लेवेंड चैप्टर कॉलेज मैट्रिक इज दियर विच इज कम्बाइंड इन कॉमर्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मतलब जो आप लोगों ने साइंस में लेव स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसका स्टैंडर्ड के साथ कंबाइन करके आपको कॉमर्स में दिया गया है तो कॉमर्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपको अलग से सीरीज में रिव्यू किया जाएगा ये आपके आगे का सेक्शन बी पार्ट है कॉमर्स तो आप इसको देख सकते हैं आगे तो अभी हम लोग जो मेट्राइसिस चैप्टर करने वाले हैं तो दिस इज बेसिकली साइंस एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर साइंस दिस इज द कंप्लीट चैप्टर फॉर कॉमर्स इट इज द सेक्शन पार्ट द फर्स्ट पार्ट वुड बी अपडेटेड एज सुन एज पॉसिबल तो जो हम लोग ने मेट्राइस चैप्टर पढ़ने वाले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इसके अंदर टोटली चैप्टर के अंदर सिर्फ चार चीजें हैं वो चार चीजें क्या है बेसिकली दो चीजें हैं एक इनवर्स और दूसरा है मैथ इक्वेशन सॉल्विंग

दिस इज द लास्ट थिंग अभी मेरा ऑर्डर ऐसा रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट मेथड इट इज एज पर फर्स्ट एक्सरसाइज में आता है बट थिंग इज दैट कि वो टफ होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले बाकी सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे उसके बाद जैसे आपका रिडक्शन हो जाता है रिडक्शन में आप हाफ ट्रांसफॉर्मेशन करती हो ट्रांसफॉर्मेशन में आप छह जीरो बनाती हो रिडक्शन में आप तीन जीरो बनाती हो तो रिडक्शन में आप हाफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो हाफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप सीख जाओगे तो आप फुल ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओगे तो हमारा प्रोसीजर जो होगा ये चैप्टर को कवरअप करने का It will be first we will be doing a joint procedure after that method of inversion, after that reduction, and after that transformation, and after transformation, the chapter gets completed. सो so बेसिकली आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज तो अभी एज्वाइंट पढ़ने के लिए एकदम गुरु मंत्र देता हूं आपको ये इतना हो जाएगा आपके लिए क्या होता है, कैसे होता है है कैसे क्या करना होता है क्या स्टेप्स होती है सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले आज वो बेसिकली उसमें टोटल बारह क्वेश्चन है जिसमें से छह मेन क्वेश्चन होते हैं और बाकी उसके अंदर तीन तीन चार चार सब क्वेश्चन है बारह से, से पंद्रह तो ये बारह से पंद्रह सिर्फ आप अभी मैं जो दो सम्स सिखाऊंगा उसमें से अपने आप सीख जाओगे और वो बारह से पंद्रह आपको कैसे करना है वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे कांसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ सके तो एडजॉइंट गुरु मंत्र तो कैसे करते हैं एडजॉइंट तो आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा एक मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसका नाम होगा ए इनकेस अगर ए नाम नहीं लिखा है तो आप उसको लिख देना कि ए इज इक्वल्स टू दिस आफ्टर दैट आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे वॉट द दिन ऑफ ए अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते समय वो टू बी जीरो पे समाप्त हो जाता है अगर आपके डिटर्मिनेट ऑफ ए का वैल्यू जीरो होता है तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते बट अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो आप कर रहे हो उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसके बाद आप निकालते हो फाइंड माइनर अब ये माइनर क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको डायरेक्ट समझ ही सिखाऊंगा इसका छोटा सा प्रोसीजर है आफ्टर दैट फाइंड को तो को फैक्टर के लिए फॉर्मूला है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस वन एस टू आई प्लस जे एम आई जे अभी आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा ये फार्मूला आपको यूज करनी नहीं पड़ेगी ये फॉर्मूला के बिना ही आप शॉर्टकट कर, कर सकते हो बिकॉज ये आता है तीन मार्क के लिए सम ये ऑलरेडी अगर आप स्टेप्स देखोगे तो अभी तक आप चार स्टेप्स कर चुके हो इसके बाद और तीन स्टेप्स है मतलब बेसिकली सेवन टू एट स्टेप्स वाला सम है मतलब दो पेज आपका एटलीस्ट जाएगा ही तो इसके अंदर और फॉर्मला यूज करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा सम तो हमने एक शॉर्टकट आपको दे देंगे जो आप बोर्ड में यूज कर सकते हो कोई इशू नहीं होगा वो शॉर्टकट के बेसिस पे आप फटाफट आंसर निकाल सकती हो कोई आपको इशू नहीं आएगा आफ्टर फाइंडिंग कोफैक्टर यू विल फाइंड ए आई जे मैट्रिक्स तो जो आप कोफैक्टर के वैल्यूज निकाले उसी से हमारी एक एआई जे मैट्रिक्स बनती है उसके बाद आप एआईजे मैट्रिक्स के बाद एजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे तो यही मेन है मैट्रिक्स जिससे नाम दिया है कि एज्वाइट मैट्रिक्स तो एजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है जो आपने एआईजी मैट्रिक्स दी है उसकी ट्रांसपोज करते हो ट्रांसपोज लेवेंथ में साइंस वाले पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड अ ट्रांसपोज अगर किसी को नहीं आता है तो आज आप लोग जब ही सम किया जाएगा उसके अंदर आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा कि ट्रांसपोज क्या होता है आफ्टर दैट आपका एज्वाइंट निकलने के बाद आपका लास्ट में ए इनवर्स का फॉर्मूला इट इज वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू टू ए ज्वाइंट ऑफ ए दिस इज द लास्ट फार्मूला इसके अंदर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो ऊपर निकाला था एकदम स्टेप नंबर वन में वो यहां पे पुटअप किया जाएगा उसी के साथ आप ए ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू पुटअप करोगे एंड आपका फाइनल आंसर निकालोगे ओके तो चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फाइव दो बहुत सारे बच्चे अचंभित हो जाते सर एक्सरसाइज में स्टार्ट होते ही पहला क्वेश्चन 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 नंबर 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 बच्चा लोगों जैसे आप आप कर लोगे 1, 2, 3, 4. अपने आप आपका हो जाएगा लेक्चर का जैसे मेरे दो सम्स हो जाते हैं जो मेरे को आपको पढ़ाने उसके बाद आप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वन टू थ्री फोर इसी के अंदर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको वन जीरो थ्री थ्री सो यहां पे बोलते हैं स्टेप नंबर वन सॉल्व जैसे हम लोग ने किया था पूरे गुरु मंत्र में अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो वेरी गुड अगर नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए और प्लीज नोट डाउन कीजिए ताकि आपके सामने वो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ सके तो हम लोग का स्टेप नंबर वन था डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए मैट्रिक्स का सिंबल और डिटर्मेंट का सिंबल अलग होता है मैट्रिक्स इज क्लोज ब्रैकेट्स अगर आप देखोगे वहां पे ब्रैकेट्स को क्लोज किया गया है और यहाँ पे सिर्फ दो डैश डाली गई है तो डिटर्मेंट का सिंबल वो है तो डिटर्मेंट निकालने से पहले प्लीज अपना सिंबल चेंज किया कीजिए लोग डिटरमेंट निकालते हैं बट मैट्रिक्स का सिंबल लिखते हैं इट इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट आपके मार्क्स कट होंगे उसी के ऊपर तो डिटरमिनेंट ये आप टू बाई टू का आप सीख चुके आपके टेंथ स्टैंडर्ड में भी और इलेवेथ स्टैंडर्ड में भी तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे आता है थ्री इंटू वन इज थ्री

वैल्यूज ऑफ माइनर एज वेल एज को फैक्टर माइनर और को फैक्टर दोनों साथ में चलते हैं जितने आपके मैट्रिक्स एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर निकलते हैं तो अभी हम लोग जो मैट्रिक्स कर रहे हैं वो चार है तो चार है तो यहाँ पे चार माइनर होंगे कैसे चार माइनर होंगे तो यहाँ पे दो रो है और दो कॉलम है रोज यानी हॉरिजॉन्टल होते हैं कॉलम्स यानी वर्टिकल तो हर एक को एलिम पोजिशन देखने के लिए आपने टेंथ स्टैंडर्ड और इलेवेंथ स्टैंडर्ड में देखा है कि किस तरह से आप नंबरिंग देते हो तो उसी तरीके से चार वैल्यूज की वजह से एम वन थ्री सॉरी एम टू वन एम टू टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बच्चे लोग डर गए कि ये वैल्यू कहां से आई आइए मैं आपको समझा देता हूं अगर आप वन वन की बात कर रहे हो तो एम वन वन की जब भी आप बात करोगे तो उसमें जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए मैट्रिक्स उसमें से फर्स्ट रो आप एलिमिनेट कीजिए और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कीजिए तो आपको एक वैल्यू बचता हुआ दिखेगा वो वैल्यू है थ्री आफ्टर दैट एम वन टू यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको एलिमिनेट का मतलब होता है कट कर देने का तो जो वैल्यू बची हुई दिखेगी आपको थ्री दिखेगी सिमिलरली एम टू वन के लिए रो फर्स्ट कॉलम आप एलिमिनेट कीजिए आपको एक वैल्यू बची हुई दिखेगी वो होगी आपकी जीरो नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कीजिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम एक वैल्यू यहां पे आपको बची हुई मिलेगी एंड दैट वुड बी योर एम टू टू जिसका वैल्यू आपको आता है वन होपफुली आपको ये समझा होगा अभी को फैक्टर निकालने का मैं आपको एकदम एकदम शॉर्टकट प्रोसीजर बताता हूँ ये जो आप नीचे नंबर देख रहे हो वन 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 टू टू वन टू टू आप क्या करो ये दोनों नंबर्स को ऐड करो जैसे वन वन है तो यू ऐड वन प्लस यू एड वन वन प्लस वन हो जाता है टू सिमिलरली वन टू यानी वन प्लस टू हो जाता है थ्री नेक्स्ट टू वन यानी टू प्लस वन हो जाता है थ्री नेक्स्ट टू टू यानी फोर तो आप इनको ऐड करो जो आपका नंबर आता है अगर वो इवन कैटेगरी में आता है मैं वापस रिपीट करता हूँ ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो इवन कैटेगरी में आता है तो आप साइन चेंज नहीं करना जो साइन पहले है वो ही सेम रखना माइनर की और अगर आपका ऐड करने के बाद ऑड में आता है तो आप साइन चेंज करोगे अगर प्लस थ्री है तो आप माइनस थ्री लिखोगे अगर माइनस थ्री है तो जीरो टू फोर सिक्स एट ऑल दिस नंबर्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ आप क्या करोगे बच्चा लोगों दोनों तो वैल्यू वही आप सेम डालोगे वही अगर ऐड करने के बाद तो साइन चेंज करके वहां पर डालोगे तो जैसे एम वन वन तो उसके लिए ए वन वन तो ए वन वन को आप ऐड करोगे तो वन प्लस वन इज टू टू कम्स इन ई तो एम वन वन का वैल्यू थ्री है तो ए वन 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 का वैल्यू भी थ्री होगा नेक्स्ट ए वन टू सो ए वन टू का वैल्यू अगर आप ऐड करते हो वन प्लस टू दैट इज थ्री यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आ जाता है आपका ऑड में ये ऑड आने के वजह से आपका जो एम वन टू का साइन होगा वो आप रिवर्स कर दोगे एम वन टू प्लस थ्री है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस थ्री सिमिलरली एम टू वन के लिए करूंगा तो टू वन के लिए ऐड करूंगा तो थ्री तो साइन चेंज कर रहा है बट वहाँ पे जीरो है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव आपने अपने बचपन से पढ़ा है सिमिलरली एट